धारा के इस भाग के प्रायोजक हैं उपभोक्ता मंच जागो ग्राहक जागो। क्या फिर से चावल जल गए? ये नया प्रेशर कुकर ना बहुत तंग कर रहा है। मैं कंज्यूमर फोरम में कंप्लेन दर्ज कराता हूँ। पहले दुकान वाले से तो पता कर ले कि ये रिप्लेस हो जाए तो। भाई साहब ये कुकर आपसे ले गए थे लेकिन ये तो ठीक से नहीं चल रहा। आप कुकर और कैश रिसीट लेकर हमारे रिप्लेसमेंट काउंटर पर जाइए और इसे रिप्लेस करवा लीजिए। ग्राहक हमारे लिए बहुत कीमती है और हम उन पर निर्भर करते हैं। कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर 1600114000 और विजिट अस एट www.co.nic.in। आज बाइस्कोप की बातें होंगी उस फिल्म को लेकर जिसमें बंगाल का रंग है और अफगानिस्तान की खुशबू है, जिसमें संसार के बेहतरीन साहित्य की झलक है और भारतीय फिल्म कला की दौलत है। ये फिल्म है काबुलीवाला। प्रोडक्शंस के परचम तले बनी इस यादगार फिल्म काबुलीवाला से जुड़ी जानकारियां लेकर आए हैं कलीम राही और उनकी तहरीर के सहारे कमल शर्मा की मदद से बाइस्कोप की बातें कर रहे हैं लोकेंद्र शर्मा। मेरे प्यारे वतन है मेरे बिछड़े चमन तुझसे दिल जज्बात से छलकता हुआ यह दिलकश नगमा पहली बार सन 1961 में रेडियो से गूंजा था और तब से आज तक इसका शुमार सदाबहार गीतों में हो रहा है। यह नगमा था बिमल रॉय प्रोडक्शंस की यादगार फिल्म काबुलीवाला का। सलील चौधरी के मनमोहक संगीत से सजे इस गीत को प्रेम धवन की कलम ने रचा था। इस गीत की एक विशेषता यह है कि गायक मन्नाडे की दिल को छू लेने वाली आवाज में यह खूबसूरत गीत केवल 6 साजिंदों के साथ रिकॉर्ड किया गया था। आज आमतौर पर ऐसा नहीं होता। आज चाहे कोई सा भी गीत हो उसकी रिकॉर्डिंग में करीब 100 साजिंदे होते हैं और अक्सर आज के गाने 2 या कभी कभी 4 दिनों में रिकॉर्ड किए जाते हैं। कहा जा सकता है कि एक गीत की रिकॉर्डिंग पर आजकल जितनी रकम खर्च की जाती है उतने खर्च में पहले फिल्म के पूरे गीत रिकॉर्ड हो जाते थे। आजकल रिकॉर्ड हो रहे गीतों की उम्र कितनी होती है ये बताने की बात नहीं है। पुराने गानों की तुलना में आज के गाने शोर तो बेशक ज्यादा मचाते हैं लेकिन दिल के तारों को छू भी नहीं पाते। खैर बात हो रही थी काबुलीवाला के उस गीत की जिसमें वतन परस्ती की बात है। इस फिल्म का एक और ऐसा गीत है जो भुलाए नहीं भूलता। आए कहां से गंगा जाए कहां रे आए कहां से जाए कहां रे लहराए पानी में जैसे धूप जाओ रे। गंगा आए कहां से गंगा जाए कहां रे लहरा पानी में जैसे धूप छाओ रे। गंगा आए कहां से गंगा जाए कहां रे लहरा पानी में जैसे धूप छाओ रे। कोई बोली कोई लाखों रूप और चेहरे ओ ओ
छाओगे गंगा आए कहाँ से गंगा जाए कहाँ रे लहरा पानी में जैसे धूप छाओगे गंगा आए कहाँ से जाए। सिनेमा हॉल में ये गीत बहुत मुकद्दस मालूम होता है। कहानी के अहम किरदार अब्दुल रहमान खान यानी काबुलीवाला यानी बलराज साहनी जब ये गीत सुनते हैं तो उनका दिल बेख्तियार पुकार उठता है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बाबा से तुम कितना अच्छा गाना गाती है। तुम्हें गाना पसंद आया? वो बहुत पसंद है। इसको मत बोला, नहीं समझ जाते। इसका मतलब ये है खान, जिस तरह दिन और रात में कितना फर्क होता है लेकिन शाम का वक्त इन दोनों का भेदभाव मिटा देता है। इसी तरह मेरी तुम्हारी बोली में फर्क है, रंग रूप में फर्क है, लेकिन दिल में प्यार हो तो सब एक है, कोई फर्क नहीं। सुभान अल्लाह, ओ बाबा से तुम कितना बड़ा बात बोले, खुदा का कसम कितना बड़ा बात बोली। खुश हो जाओ बाबा से, तुम खुश हो जाओ। फिल्म काबुलीवाला गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की एक बंगला कहानी पर आधारित है। पहली बार ये कहानी सन 1918 में प्रकाशित कहानी संग्रह गल्प गुच्छ में शामिल की गई थी और साहित्य के पंडितों ने इस कहानी को संसार की श्रेष्ठ कहानियों में से एक माना था। ये कहानी काम धंधे और तिजारत के लिए काबुल से कलकत्ता आने वाले एक नेक दिल पठान और एक मासूम बच्ची के जज्बात का पूरा सर बयान है। हिंदी में पर्दे पर उतरने से पहले काबुलीवाला सन 1956 में बंगला जबान में भी बन चुकी थी। इसके डायरेक्टर और स्क्रीन प्ले राइटर थे तपन सिन्हा। चारू चित्रा के परचम तले बनने वाली उस बंगला फिल्म का संगीत पंडित रविशंकर ने दिया था और छवि विश्वास, टिंकू ठाकुर, राधा मोहन भट्टाचार्य और मंजू डे ने इस फिल्म के मुख्य पात्र निभाए थे। छवि विश्वास ने बंगला काबुलीवाला में अपनी जज्बात निगारी की बड़ी गहरी छाप छोड़ी। विमल रॉय ने वो फिल्म देखी थी। तपन सिन्हा के निर्देशन से वे प्रभावित भी हुए थे लेकिन हिंदी में बनी उनकी फिल्म काबुलीवाला को बंगला का रीमेक नहीं कहा जा सकता। कहानी वही थी लेकिन पर्दे पर बिमल रॉय की अपनी छाप थी। सन 1960 में जब बिमल रॉय ने काबुलीवाला को हिंदी में बनाने का फैसला किया तो उन्होंने बंगाल के मशहूर डायरेक्टर हेमेन गुप्ता को डायरेक्शन की जिम्मेदारी सौंपी, विश्राम बेड़ेकर से स्क्रीन प्ले लिखवाया, एस खलील ने इसके संवाद लिखे, सलील चौधरी संगीतकार बने और प्रेम धवन को सौंपा इसके दिलकश और रसीले गीत लिखने का जिम्मा। या कुर्बान देखेंगे कब वो सूरत जिस पे बहार सदपे, ये दिल तो क्या है यारो काबुल कंधार सदके। किस तरह भूले निगाहें यार को, दिल तड़पता है तेरे दीदार को, तो समा कहना मेरे दिलदार को, दिल तड़पता है तेरे दीदार को, खेखे दिल भर की या नर्ग से मस्तना,
देखे हुए उस बुत को अब हो गया जमाना। ओ सबा कहना मेरे दिलदार को, दिल धड़कता है तेरे दीदार को। ओ सबा कहना मेरे दिलदार को, दिल धड़कता है तेरे दीदार को। काबुलीवाला के बंगाली डायरेक्टर हेमेन गुप्ता के बारे में आपको ये बता दूं कि इस फिल्म को डायरेक्ट करने से पहले हेमेन गुप्ता दो काबिले जिक्र फिल्में बना चुके थे। पहली थी बंगला जबान में एक खूबसूरत इनकलाबी फिल्म 1942, जिस पर उस वक्त की अंग्रेज सरकार ने पाबंदी भी लगाई थी, और दूसरी थी बंकिम चंद्र चटर्जी के लोकप्रिय उपन्यास आनंद मठ पर हिंदी और बंगला जबान में एक साथ बनी फिल्म आनंद मठ, जिसके मुख्य कलाकार थे पृथ्वीराज कपूर, प्रदीप कुमार, भारत भूषण, बीना रॉय और गीता बाली। हेमेन गुप्ता ने यह फिल्म बंबई के फिल्मिस्तान स्टूडियो के लिए बनाई थी, जिसके कर्ता धर्ता थे सेठ तुलाराम झालान और उनके राइट हैंड थे एस मुखर्जी। अगर आपको फिल्मों के इतिहास में दिलचस्पी है दोस्तों, तो शायद फिल्म आनंद मठ का अमर संगीत, विशेष रूप से मातृवंदना वाला संस्कृत गीत आपको बेशक याद होगा। आधा किलो का वो बच्चा नहीं है ना? और ये क्या, आपने इसकी बीन पर क्या लोहा बांध रखा है? अब बीबी जी, आप सभी चीज में नुक्स निकाल रही हैं। भैया आप तो चलो यहाँ से और अब से सब कुछ सही कर लो, नहीं तो आपका नाम कॉलोनी के नोटिस बोर्ड पर लग जाएगा। कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर 1600 114000 और विजिट अस एट www.co.nic.in। अच्छी फिल्म बनाने के लिए सही कास्टिंग जरूरी होती है। प्रोड्यूसर बिमल रॉय ने बहुत सोच विचार के बाद काबुलीवाला का किरदार निभाने के लिए बलराज साहनी से बात की। बलराज साहनी एक संवेदनशील कलाकार थे, वे लेखक भी थे और साहित्य में उनकी गहरी दिलचस्पी भी थी। काबुलीवाला का ऑफर उन्हें एक इम्तिहान जैसा लगा। एक बारगी वे सोच में पड़ गए, क्या वो गुरुदेव टैगोर के इस किरदार के साथ इंसाफ कर पाएंगे? बलराज साहनी ने सोचने के लिए थोड़ा वक्त मांगा। उनकी चिंता के बारे में जब उनके एक पठान दोस्त बाबा बहादुर शाह को पता चला, तो बलराज साहनी का हौसला बढ़ाते हुए बाबा ने कहा, हम है ना, हौसला करो लाले की जान, हौसला करो। बाबा बहादुर शाह की इस हौसला अफजाई से बलराज साहनी का हौसला सचमुच बुलंद हो गया। उन्होंने बिमल रॉय को अपनी रजामंदी दे दी। अब तलाश शुरू हुई मीनू की भूमिका निभाने के लिए एक 4-5 साल की मासूम मगर बातूनी बच्ची की। कई बच्चियों का इंटरव्यू लिया गया और चुनी गई एक सिंधी घराने की बच्ची सोनू। सोनू मीनू के रूप में हर लिहाज से मौजूद थी। बलराज साहनी और सोनू के बाद अहम भूमिकाओं के लिए उषा किरण, सज्जन, पाल महेंद्र और अशित सेन का चुनाव हुआ और इसके साथ ही शुरू हो गई फिल्म काबुलीवाला की फिल्म बंदी। जो आई उन हवाओं को
सलाम। सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे रंगी तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी कि मैंने आपको बताया दोस्तों, काबुलीवाला एक नेक दिल और खुश मिजाज पठान अब्दुल रहमान खान की जज्बाती कहानी है। गुर्बत और हालात इस पठान को अफगानिस्तान से हिंदुस्तान लेकर आए थे। रोटी की तलाश में वो काबुल की गलियां छोड़कर कलकत्ता के मोहल्लों में गुहार लगा रहा था। अपना वतन और अपने परिवार को उसने खुशी से नहीं, मजबूरी में छोड़ा था, और इस मजबूरी की एक अलग दास्तान थी। बाबा, दादी अम्मा नमाज पढ़ता था, अब किस कैसे निकल के आया? लगती जी, तुम अभी अभी बीमारी से अच्छे हुए, वो तुमको आराम का जरूरत है। चलो घर चलो। हम घर नहीं जाएगा, हम बाजार जाएगा, बाजार से लाल लाल बंगड़ी लेगा। हम तुमको लाल लाल बंगड़ी लेकर देगा, मगर अभी नहीं, हम आज ही लेगा। वो आज नहीं मिलती, वो आज बाजार बंद होती, वो जुम्मे का रोज मिलती है। तो हम तुमको जुम्मे का रोज लीजिएगा, बंगड़ी लेकर देगा, अभी घर चलो। वो दादी अम्मा ने तुमको भी मारेगा, वो हमको भी मारेगा। बड़ा ठंडा लेके बीता है, हम अंदर नहीं जाएगा। अच्छा, तुम बुक का पेन था? हम तो बाबा के पास गया था। तुम्हारा बाबा तुमको बस नाच करके खराब कर दिया। आने जो रहमान खान, हम उसका भी कवर लेगा। क्या बात है रहमान जी, हमसे पूछता है, तुमको मालूम नहीं बच्चा 3 महीने का बीमारी से अभी अभी ठीक हुआ, एक लम्हा के वास्ते आराम नहीं करता। हमारा आंख इधर होता है, वो उधर भागता है। अगर फिर बीमार हो गया तो डॉक्टर वास्ते सब बात मत बोलो, तो मासूम बच्ची, हम उसको प्यार से समझाएगा। हम प्यार से उसको बहुत समझा दिया, जब तक तुम उसको डांटेगा नहीं वो नहीं मानेगा। वो माँ जी हम क्या करेगा, वो भी माँ का बच्ची, उसको गुस्सा करने को हमारा दिल नहीं होते। अच्छा तुम फिकर मत कर जाओ, उसको फिर समझाएगा। लेकिन रहमान खान अभी अपनी जान से प्यारी बेटी अमीना को समझा भी नहीं पाया था कि इतने में नहीं नहीं रहमान खाना, अब हम और इंतजार नहीं कर सकता। जब तुम्हारा बच्चा बीमार था, हम रुपए से तुम्हारा मदद किया, तुम अमाउंट 15 रोज का वायदा किया, 1.5 महीना हो गया। गुलजार खान बरादर, तुम सच बात बोलते, तुम हमारा बहुत मदद किए, हम तुम्हारा बहुत एहसान मंद, फकत 15 रोज का मोहलत पार दे जाओ। मदद 15 रोज में किधर से रुपया लाएगा? उसी हम कुछ भी करेगा, तुम्हारा कर्जा जरूर वापस करेगा, यकीन कर जाओ बरादर। अच्छा, हम 15 रोज बाद आएगा, हमारा रुपया का जरूर इंतजाम करें। इंशाल्लाह जरूर कर जाएगा, जरूर कर जाएगा। अपना वादा वफा करने के लिए रहमान खान को मजबूरन एक फैसला करना पड़ा। देखो, वो सर्दी का मौसम शुरू होते, कारोबार धंधा सब बंद होते, आमदनी का कोई सूरत नहीं। वो इसी वास्ते हम सोचते, वो थोड़ा रकम लेकर हिंदुस्तान जाएगा, उधर धंधा तिजारत बहुत है। हम तुमको रकम भेजेगा, तुम मकान भी छुड़ाओ, जमीन भी छुड़ाओ। हम तो समझता ही रहमाना बच्चिया, लेकिन अमीना तुम्हारा बगल के सारे जाएगा। वो इस वास्ते हम भी बहुत परेशान होते हैं, वो लेकिन कुछ चारा नहीं है। अगर हिंदुस्तान नहीं जाएगा तो कर्ज से निजात कैसे हो जाएगा? और देखो माँ जी, तुम अमीना बच्चा का ख्याल कर जाओ, हम थोड़ा रोज के अंदर वापस आ जाएगा। बोल।
रहमान खान की बूढ़ी माँ उसकी बात मान गई, क्योंकि वो माँ थी और अपने बेटे को गुलजार खान के कर्ज और परेशानियों से निजात दिलवाना चाहती थी। लेकिन मासूम अमीना रहमान खान के पैरों की जंजीर बन गई। वो मेरा मीना जान, मेरा मीना दीप। वो दीप बच्ची, अभी तुम बड़ा होगी समझदारी। वो देखो हम तुमको हिंदुस्तान ले जाएगा, वो गैर मुल्क में तुम्हारा ख्याल कौन करेगा? और तुम्हारा कौन ख्याल कर जाएगा? बच्ची अल्लाह ताला मेरा ख्याल कर जाएगा, तुम इधर बूढ़ा दादी अम्मा का ख्याल कर जाओ। हम दादी अम्मा का नहीं ख्याल कर जाएंगे, हम तुम्हारे साथ हिंदुस्तान जाएगा। बच्ची रो मत जाओ, तुम रोती मेरा दिल दरस जाती। देखो हिंदुस्तान से हम तुम्हारा वास्ते बड़ा बड़ा गुड़िया लाएगा। लाल लाल बांगड़ी लाएगा, चमक चमक पैसा लाएगा, चमक चमक पैसा लाएगा। रहमान खान अपने सीने पर पत्थर रखकर अपने पैरों में पड़ी जज्बाती जंजीर को तोड़कर अमीना को बूढ़ी माँ के सुपुर्द करके हिंदुस्तान के लिए चल पड़ा। और रहमान खान काबुलीवाला बनकर आ पहुंचा कलकत्ता। बादाम लाया पिस्ता बादाम लाया सदन जुमान से झोली में मेरी एक जादू की छड़ी है, झोली में मेरी एक जादू की छड़ी है। लो बन जाओ परी। जादू का दिया और बाती जेब में है, जादू का दिया और बाती बन जा हाथी। काबुलीवाला की आवाज कलकत्ता के मोहल्लों में गूंजती हुई एक रोज उस गली में भी पहुंची जहां चुलबुली और बातूनी मीनू अपने कहानीकार पिता को तंग कर रही थी। बाबा तुम रोज क्या लिखते रहे तो? कहानी लिखता हूँ बेटा। किसकी कहानी? शेर और बकरी की? नहीं, राजा और रानी की। बाबा तुम मेरी कहानी क्यों नहीं लिखते हो? लिखूंगा बेटा, एक दिन जरूर लिखूंगा। क्या लिखोगे? लिखूंगा कि मिन्नी बेटी बड़ी अच्छी है, सारा दिन बकबक करती रहती है, बाबा को बिल्कुल काम नहीं करने देती। बाबा बोला चिराई का चिराई कहता और कहता है हाथी सूर में पानी भर के आकाश के तरफ जाता पानी बरसता। कितनी बातें बाबा, कितनी बातें करता है, बोला दिन रात बकता रहता है। नहीं बेटा, सारे दिन में तू थोड़ी सी देर के लिए भी चुप नहीं रह सकती। जेल में चुप रखूंगा। तुम्हारा चुप रहना भी तो मुझसे नहीं देखा जाता बेटी। तुम यूं करो, थोड़ी सी देर के लिए वहां जाके खेलो। अच्छा। मीनू खेल रही थी कि उसके कानों में काबुलीवाला की आवाज टकराई। काबुलीवाले, काबुलीवाले, अरे
क्या हुआ? इधर आ रहा है। तो इसमें डरने की क्या बात है बेटा? मुझे झोले में डाल के ले गया तू। अरे हाँ, माँ कहती थी तुम काबली वाले से नहीं डरते हो। बिल्कुल नहीं, मैं तो उसे डंडा मार के भगा दूंगा। किसे डंडे से मार भगाओगे? देखो खाना तैयार है, आज फिर से देरी कर दी तो बाप बेटी किसी को खाना नहीं मिलेगा। अरे बाप रे, चलो मिनी, नहीं तो फिर कभी खाना नहीं मिलेगा। बाबा तुम सिर्फ माँ से डरते हो ना। पुरानी जमाली। अस्सलाम वालेकुम बाबू जी। सलाम। वो एक छोटा बच्चा हमको आवाज दिया था, वो किधर गया? वो तो भाग गई। तुमसे डरती? वो किस वास्ते डरती? छोटी बच्ची है, समझती है कि तुम उसे झोले में डालकर ले जाओ। अस्तग़फ़िरुल्लाह, एकदम झूठ बात है बाबू से, एकदम झूठ बात है। ये तो मुझे भी मालूम है। वो हम उसको एक नजर देख सकती? ठहरो, मैं देखता। मिनी, मिनी, मिनी बेटा। बाबा। कहाँ हो तुम? मैं यहाँ क्या कर रही हो? बाबा काबी वाला गया? नहीं बेटा, वो बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुमसे मिलना चाहता है। मैं बाबा मिलने आऊंगी। क्यों? मुझे झोले में डाल के लेकर तू। नहीं नहीं नहीं, डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जो साथ हूँ तुम्हारे। शाबाश शाबाश। बाबा ये डलना तो ले लो। डंडे की कोई जरूरत नहीं बेटा। अरे आज मिने डरने की बात नहीं बेटा। बाबा इससे पूछे उसके झोले में कितने बच्चे हैं? बच्चे नहीं है वो, हमारे झोले में दो बड़ा बड़ा हाथी है। इतने से झोले में इतना बड़ा हाथी? झूठ, हम झूठ नहीं बोलते। हाथी आते देखो, हम दम मारते, चूमन कर मारते। देखो देखो, डरो हम दिखाते। देखो देखो, अगले जमाने का लुकमान, इस जमाने का पठान, तुमको हुक्म देते हाथी का बच्चा, बाहर निकल जाओ। डरते हो? डरो नहीं, डरो नहीं। आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, आंखें बंद करो। वो हाथ निकाल, अभी आंखें खोलो। हाथी कहाँ है? वो तुम्हारे से भी बड़ा जादूगर हो, हाथी को हाथ लगाए बादाम बन गए। हाथी क्या? हाथी हाथी। हाँ हाथी हाथी। तुम बिल्कुल बुद्धू हो। पहले हम अकलमंद था, अभी तुमको देखे हम बुद्धू हो गए। दिखाओ तुम्हारे झोले में क्या है? देखूं। बच्चे कहाँ गए? ये तो सब मेवा है। और उन जादू किए बच्चे लोग सब मेवा बन गए। कितना मेवा। पिटारा के इस भाग के प्रायोजक थे उपभोक्ता मंच जागो ग्राहक जागो। आप सुन रहे हैं विविध भारती। पिटारा के इस भाग के प्रायोजक हैं उपभोक्ता मंच जागो ग्राहक जागो। मिस्टर नामब्यार, कुछ स्ट्रेस लग रहे हैं आप, क्या हुआ? क्या बताऊं मिस्टर कपूर, लगता है मुझे अपने टेलीफोन बिल के लिए कंज्यूमर फोरम की मदद लेनी पड़ेगी। अरे सर, कंज्यूमर फोरम तो बाद में जाइए, पहले तो आपको जाना चाहिए टेलीफोन कंपनी के टेलीफोन अदालत में। रियली? जी हाँ, एक एप्लीकेशन कंप्लेंट के साथ दर्ज करें, अपने एरिया का टेलीफोन अदालत में जाकर उसे पेश करें और समाधान और शांति पाइए। कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर 1600114000 और विजिट अस एट www.core.nic.in। मीनू से मिलकर काबुलीवाला का दिल खुशी से खिल गया। अब्दुर्रहमान खान कुर्बान तुम्हें, जब से तुम वतन से आया है मुझे हमने तुमको इतना खुश कभी नहीं देखा। अभी दूर उस पहले तुम बोलते था कि तुम्हारा दिल यहाँ नहीं लगता है, तुम वतन जाएगा, और आज इतना खुश हो खुरम, ऐसा कौन सा कानून के खजाना मिल गया तुमको? उसकी खुशी उसके चेहरे पर दमकने लगी। क्या करा राय तेरे बीमार को, दिल तड़पता है तेरे दीदार को, ओ सबा कहना मेरे दिलदार को, दिल तड़पता है तेरे दीदार को, ओ सबा कहना मेरे दिलदार को, दिल
नन्ही मीनू अब काबुलीवाले से डरती नहीं थी, वो उसकी पक्की दोस्त बन गई। उसके साथ खूब छेड़छाड़ करती और काबुलीवाला उसकी इन मासूम शरारतों का मजा लेता। काबुलीवाले तुम्हारा जोली फिर से दिखाओ। देखो देखो ये क्या है? ऊंची ये बर्दाद का खून है, वो तुम्हारे वास्ते लाए। कहो काबुलीवाले तुम बड़े अच्छे आदमी हो। ओ मेरा बुलबुल तुम भी बहुत अच्छा है। काबुलीवाले तुम्हारा घर कहाँ है? वो हमारा घर वो इधर गली से जाती, वो पीछे बाजार में जाती, फिर उधर जाती, फिर उधर जाती। काबुलीवाले तुम्हारे घर में आती है? ओ, वो इधर नहीं है, वो हमारा मुल्क में हमारे पास एक गाना है। और तुम्हारा माफी एक हमारा मुन्नी है। तुम्हारी मुन्नी गाना गाती है? वो बहुत अच्छा गाती। मैं भी गाती हूँ, सुनोगे? वो तुमको नहीं आता है? हाँ। अच्छा सुनो। बीबी नैन्सी टूटो पानी ले किरानी, बीबी नैन्सी टूटो पानी ले किरानी, कौवा तेरा भाई भतीजा चील तेरी दुर्रानी। लोइशे बच्चा लोइशे, वही 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 वही, तुम तो बुलबुल से भी ज्यादा अच्छा गाते हो। ओहो बेटो बेटो, काबली वाले तुम्हारा गद्दा भी गाते हैं। बोला जरा देखो इतनी जोर से कौन करता है। बंटा घायल हो गया। क्या हुआ? काबुली वाला, इतना बड़ा काबुली वाला नीचे मिनी के पास बैठा है। अरे दादा, इसकी हंसी से तो मेरा दिल धक-धक करने लगा। और उन्हें कोई डरी नहीं? हमारी मिनी बेटी तुम्हारी तरह डरपोक थोड़ी है। अभी हम जाते। क्यों? वो काम के ऊपर जाएगा। अच्छा, खुदा हाफिज बच्चा। क्या हाफिज? खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। काबुलीवाला का मन कलकत्ता में लग गया। वो बहुत नेक था, अक्सर दूसरों की मदद किया करता था, लेकिन अपना माल किसी को उधार देना उसे पसंद नहीं था। कमाल। ओ काबुली वाले, अरे इधर आ, इधर आ। तुम्हारे पास कोई बढ़िया शान है? वो बहुत बढ़िया बढ़िया रकम का चाल, देखो क्या रद्दी माल उठा लाया खान। वो अच्छा तुमको बढ़िया माल दिखाते हैं। दिखा दिखो। भी कुछ खास नहीं, कुछ चीज देखो। अच्छा इसका क्या दाम है? उसका दाम सिर्फ 15 रुपया। 15 रुपये? तुम तो लूटना चाहते हो खान। वो बाबू से मारना चाहोगे, कीमत भी थोड़ा चाहो ना मांगते। वो अच्छा जी। अच्छा चलो इसको रखा, लेकिन रुपए एक महीने के बाद दो। नहीं नहीं, हम उधार नहीं करते, हो हमको पैसे का बहुत जरूरत है। अरे पैसे का जरूरत है खान तो उधर फौरन देना शुरू कर दो, तुम्हारा माल यूँ बिक जाएगा और महीने दो महीने में तुम 150 रुपये इकट्ठा कर लेगा। वो देखो अबू। अरे तुम सोचता क्या है खान, हम इज्जतदार आदमी हैं, ये मोहल्ले वाले सब हमको जानते हैं। अच्छा पापो कौन सा मानती? ये वाला। वो देखो हम एक महीना का पीछे आएगा, हमको रकम दे दे। 5 तारीख को आके तुम अपने रुपए ले जाना। एक रोज काबुली वाला मीनू से मिला तो वो बड़े ही सजीले कपड़े पहने हुए थी। काबुली वाला ने मुस्कुराते हुए पूछा, वही वही वही, वो तुम ये क्या पहने? नाम खुदा, वो बहुत खुशनुमा है, बहुत खूबसूरत है। हाँ माने भी है। अच्छा काबुली वाले तुमको मालूम, कल मेरा जन्मदिन है। वो तुम्हारा पैदाइश का रोज है? हाँ बैंड बाजा बजेगा, मेरे दोस्त लोग आएंगे। अच्छा ओके, तो तुमको लाल लाल बांगड़ी का जरूरत है। वो देखो वो अपना दोस्त लोग का वासी की पलने वाले जाओ। उधर क्या होता है? उधर भी किसी का जन्म दिन? उधर किसी शादी हो रही है। अच्छा काबुली वाले उसने मालूम मेरी भी शादी हो रही। माशाल्लाह। हाँ माँ कहती थी मेरा राजा दूल्हा सोने घोड़े की बग्घी में बैठ के आएगा। बोले कुर्बान, वो तुमको बग्घी में बिठाएगा
और मेरा बच्चा को ससुराल ले जाएगा। ससुराल क्या? वो ससुर का घर को हम ससुराल बोलते हैं। तुम भी ससुराल जाओगे? वही वो तुम हमको ससुराल बेचे वो हम ससुराल ले जाएगा। वो ससुर को डंडे से मारेगा। वो ये डंडा बहुत मजबूत हो वो बिगड़े का इलाज ही चबट मजबूत पकड़ी। तुम्हारा गुड्डा खान जरा इधर तो। खान मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ कि तुम मिन्नी को मेवा देते हो और दाम नहीं देते। बचे ये बात गलत क्या? वो तुम ये क्या तकलीफ करते हैं बाबू से? काम नहीं लेगा कभी नहीं। अरे नहीं नहीं आज तो तुम्हें लेना ही हो। अच्छा बाबू से वो तुम मजबूर कर रहे। काबुलीवाला ने जन्मदिन पर मीनू को लाल बंगड़ियों का तोहफा देने का वादा किया था, लेकिन उस दिन अचानक बादल छा गए, मूसलाधार बारिश होने लगी। मासूम मीनू काबुलीवाला का इंतजार करते करते थक गई तो बारिश की परवाह किए बगैर उसकी तलाश में घर से निकल पड़ी और इधर घर में हंगामा खड़ा हो गया। भाभी मीनू तो कमरे में नहीं है। कमरे में नहीं है? भाभी से मैं देखा। हाँ वहां भी नहीं है। देख तो तेरे भैया कहाँ है। और इसके साथ ही मिनी यानी मीनू की तलाश शुरू हो गई। मीनू कहीं नजर नहीं आ रही। तुम्हारे घर में तो नहीं आई ना? नहीं तो कहाँ गई? क्या हुआ? कहाँ गई मिनी? मैंने सब जगह उसे ढूंढ लिया। धीरे से काम लो, यहीं कहीं होगी, अभी मिल जाएगी। नहीं कहाँ से जाएगी? मैंने लाख आपसे कहा कि उसको बाहर मत जाने दीजिए, काबुली वाले के साथ मत मिलने दीजिए, लेकिन मेरी सुनता कौन है? जरूर वही उसको उठा। नहीं नहीं रमा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। शायद ऊपर होगी छत पे। भोला ओ भोला। हाँ बाबूजी। मिनी है ऊपर? नहीं तो बाबूजी। काम नहीं। सुन तू आनी थे। भोला तू उधर दे, मैं केशव बाबू के यहाँ देखता हूँ। और हाँ बाद में देखना। अच्छा बाबूजी। और फिर एक जगह काबुली वाला ने मीनू को पा लिया। वो मीनू बची बची आ जाओ। उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। तुम इधर कैसी आ जाती? वो देखो पानी में सब भी दिए तो वो तुमको ढूंढ ढूंढ के हम दर बदर हो जाते। और मैं तो तुम्हें ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गई। मेरा जन्म चुरा है। तुम इधर कैसी आ जाती बच्चे? मैं तो मिटाने को गिनती पर बैठी, तुम आए नहीं। मैं भी मैं ढूंढने निकली और रास्ता ढूंढ गई। मेरा जन्मदिन की बजाय तुम्हारा हिस्सा। नहीं बच्ची वो तुम्हारा छोटा छोटा आत्मसद थी। खुदावन तुमको हजार बरस सलामत रखेगा मेरे बच्चे। माँ कितने सौ बड़े तुम कहता हजार में? अच्छा 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 वो तुम अभी घर चलो, तुम्हारा अम्मा बहुत रोता है। काबुली वाला खुशी खुशी मीनू को गोद में उठाए हुए घर की तरफ चल पड़ा कि भोला ने उसे देख लिया और देख कर वो चिल्लाया। काबुलीवाला के साथ जाने क्या हो जाता कि तभी अचानक मीनू के पिता वहां पहुंच गए। बाबूजी मीनू को काबुलीवाला उठा ले जा रहा था, मैंने उसे रंगी हाथ से पकड़ लिया। अच्छा हाँ नहीं बाबू जी चलो चलो तुम घर जाओ। चलो अरे छोड़ो इसको। चलो चलो भाग जाओ। चलो तुमको बहुत मारे, ये लोग बहुत करा गए। मैं बाबू की जिंदगी से इन सबको मारूंगी। ये मैं तुम्हारा पकड़ी। मुझे बहुत अफसोस है, मैं इन सब लोगों की तरफ से माफी मांगता हूँ। खान भाभी बाबू से वो बच्चा को गल ले जाओ, पानी में बहुत भीग जाते हैं। पानी में भीगने की वजह से मीनू को तेज बुखार हो गया, लेकिन बीमारी में भी वो बड़बड़ा रही थी। काबुली वाले
अगर 10 बजे तक बुखार ना उतरे तो मुझे बुला लीजिएगा। डरने की तो कोई बात नहीं है डॉक्टर। आज की रात भले गुजर जाए तभी मैं कुछ कह सकता हूँ। काबुलीवाला को जब मीनू की बीमारी के बारे में मालूम हुआ तो उसका दिल पुकार उठा। ओ परवरदिगार द्वारा, अगर जान का सदका जाने तो मेरा जान ले लो, मेरा मीनी बाबा का जान बख्शी करो। तुमको पीर बाबा का वास्ते, होश पाक का वास्ते मेरे दुआ कबूल कर जा, मेरा दुआ कबूल कर जा। और फिर बकौल शायर अल्लामा इकबाल, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। नेक दिल पठान के दिल से निकली हुई दुआ खुदा ने कबूल कर ली और मीनू की जान पर आने वाला खतरा टल गया। मीनू के बाबा जब बाहर आए तो दरवाजे पर काबुलीवाला को देखकर हैरान रह गए। हम सारी रात यहीं गुजार दी। मीनू बाचा कैसे बाबू से? अब वो खतरे से बाहर। ओ खुदा बंदा, वो तेरा बहुत बहुत शुक्र है, तुम मेरा दुआ कबूल। मीनू बाचा को तुरंत देखेगा बाबू से। लेकिन खान वो कमरे के अंदर है और वो कुछ भी करनी बाबू से हम बाहर से देखेगा। वो मेहरबानी करता। मैंने बेटे उधर देखो कौन आया, देखो देखो काबली वाले। मुझे बहुत बुखार हो गया है। वो तुम बहुत जल्दी आज हो जाएगा। वो हम अल्लाह ताला से दुआ किए, वो तुमको बहुत जल्दी शफा बख्शेगा। बचिए खुदा भी जोड़ का। बीबी जी ये हो गया आपका 2 किलो गाजर और ये 1 किलो खीरा। कितने पैसे हुए? अरे मिसेस शर्मा एक तराजू तो चेक करिए। क्यों क्या हुआ मिसेस खन्ना? आपने शायद नोट नहीं किया लेकिन इसके तराजू की एक सुई तो पहले से ही टेढ़ी है और एक पैन ऊपर तो दूसरा नीचे, तो सब्जी कैसे सही तुलेगी? कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर 1600114000 और विजिट अस एट www.core.nic.in। काबुली वालों को अपनी बेटी अमीना की याद आ गई और वतन की यादों ने उसके दिल में हलचल मचा दी। माँ का दिल बल पे कभी सीने से लग जाता है तू, और कभी नन्ही सी बेटी बन के याद आता है तू। जितना याद आता है मुझको उतना तड़ पाता है तू, तुझसे दिल पुरवा तू ही मेरी याद। रहमान खान ने फैसला किया कि वो अपने कर्ज की रकम वसूल करेगा और वतन रवाना हो जाएगा। ओ बाबू शेर, वो दरवाजा खोलो। क्या है, क्यों परेशान कर रखा है? वो हम परेशान नहीं करते, तुम हमको परेशान करते। हमारा पैसा लाओ। सीधी तरह समझाया कि आदमी मैं नहीं हूँ, फिर भी पीछे पड़ा हुआ है। देखो झूठा बात मत बोलो, इधर आओ।
हम तुम्हारा मकान के ऊपर निशान लगा रहा था, देखो। अरे निशान सब झूठ है, तो रास्ता लगा अपना। हम नहीं देगा, हम पैसे लेके जाएगा। तुम्हारा हाथ छोड़ता कि नहीं? वो नहीं छोड़ेगा, पैसे लेगा फिर छोड़ेगा। अरे अस्पताल हो चोर बच्चा, जबान को काबू करो, हम बताने बेइज्जती बता। और देखते ही देखते काबुलीवाला के हाथों खून हो गया। इसको क्यों पकड़ के ले जा रहे? इसने एक आदमी को छुरा मारा है। छुरा मारा खान ने? बाबू सिर्फ सब तकदीर का बात है। वो एक आदमी था, उससे हमको पैसा लेना होता, वो हमसे चाल उधार लिया था। वो मुकसर है बाबू साहब, उल्टा गाली देते, हमको गाली देते, हमारा बाप को गाली देते, वो हमको गाली देते। शैतान का बच्चा, बेईमान का बच्चा। काबिली वाले, ये लोग तुम्हें बांध के कहाँ ले जा रहे हैं? बच्ची, वो आज हम अपना ससुर के घर जाते हैं। ससुर को खूब मारना। वो हम तो मारता था, वो देखो ससुर हमको रस्से से बांध दिए, वो हम क्या करेगा? ओ बच्ची, हमको बोल के दीजिएगा, वो हम फिर भी आएगा मेरे बच्ची। वो खुदा ही पूरा मान बच्ची, खुदा ही पूरा मान बच्चा, खुदा ही मेरे बच्ची। इस वारदात ने रहमान खान काबुलीवाला की जिंदगी का रुख मोड़ दिया। उसे सजा हो गई। 10 बरस के लिए काबुलीवाला जेल की चार दीवारी में कैद हो गया। 10 बरस कम नहीं होते। 10 बरस में बचपन जवानी बन जाता है, जवानी बुढ़ापे में ढल जाती है। 10 बरस में जिंदगी कहां से कहां जा पहुंचती है। मीनी के साथ भी ऐसा ही हुआ, वो बच्ची नहीं रह गई। और बचपन के साथ साथ बहुत सारी यादें भी उसका साथ छोड़ गईं। लेकिन काबुलीवाला के लिए जैसे वक्त थमा हुआ था। जेल में जाते समय उसकी आंखों में मिनी की जो छवि बसी हुई थी, 10 बरस बाद भी वो बदली नहीं। 10 बरस बाद काबुलीवाला जेल से छूटा तो यादों में बसी उसी नन्ही सी मिनी को तलाश करते हुए वो उसके मोहल्ले में पहुंचा। ओ मिनी बच्ची, ओ मिनी बच्ची, ओ मिनी जन, वो तुम किधर है? वो किधर है? वो देखो लाल लाल बांगड़ी रहमान खान लाया तुम्हारा वास्ते। वहाँ नीचे कहाँ देख रहे हो? मिनी तो तुम्हारे सामने खड़ी है, ये रही मिनी। वो तो इतना बड़ा हो गया। कितने साल गुजर गए खान? आज मिनी की शादी है। अच्छा, मेरे बच्चे तुम ससुर के घर जाते हैं, तुम हमको नहीं पहचानते हैं? हमको नहीं पहचानते? अरे तुम्हारा काबली वाला, बचपन में तुम्हें मेवा दिया करता था, उस तुम हमको नहीं पहचानते भी नहीं बच्चे? सिर्फ मेरे बच्चे हमको नहीं पहचानते। इस जज्बाती मोड़ ने मीनू के पिता का दिल दहला दिया। उन्होंने भी एक जज्बाती फैसला किया। बाबू जी, वो राम बाबू बिजली वाले पैसों के लिए इंतजार कर रहे हैं। उन्हें कह दो बत्तियां नहीं लगेंगी, और बैंड वाले को भी जाके मना करा। ये आप क्या कह रहे हैं? बैंड आज और रोशनी नहीं होगी? मुझे अफसोस है रामा, हमारा बहुत सालों का ये अरमान पूरा ना हो सकेगा। क्यों? आप ही तो कह रहे थे कि उसके लिए ये रुपए अलग धरा छोड़े हैं। रामा, वो रुपए मैं काबली वाले को देना चाहता हूँ। आज वो 10 साल जेल में काट कर आया है, बिल्कुल मुफलिस, खोया सा, बेसहारा। रामा, अपनी मिनी जैसी उसकी भी एक बेटी है, जिसे वो कई सालों पहले अपने वतन में छोड़ के आया था। आज न जाने वो किस हाल में होगी। मैं चाहता हूं इन रुपयों की मदद से काबुलीवाला अपने वतन, अपनी बेटी के पास चला जाए। लेकिन हमारी भी तो एक ही बेटी है,
उसकी शादी में बैंड बाजा रोशनी ना हो सकी। चार बत्ती कम जलने से इस घर की रोशनी कम नहीं होगी रमा। एक मजबूर बाप की आंखों का नूर मिल जाए तो इस मौके की रोशनी और बढ़ जाएगी। शायद मुन्नी को इस बात का दुख हो। नहीं माँ, मुझे कोई दुख नहीं होगा। मुझसे जो कुछ भी बन सका हाजिर। तुम आदि अमीना बेटी के पास लौटो। नहीं नहीं बाबू से भी ये कैसे हो सकते हैं? रख लो खान। वो नहीं, ये रुपया हम नहीं ले सकते, कभी नहीं ले सकते। खान भाई, एक बाप को छोटी सी भेंट दे रहा है, इनकार न करो। अच्छा बाबू से वो तुम खुशी से देते हैं। कोई एहसान जिंदगी भर नहीं सूखा। खान भाई एक बार तुम्हें तो कहा था प्यार मोहब्बत में एहसान नहीं होता, सिर्फ प्यार मोहब्बत होता है। ओ मेरा तकदीर, वो आज मेरा मिनी बच्चा का शादी हो गई, उसको देने के बाद मेरे पास कुछ नहीं। दुआ दे सावधान। ओ खुदा बंदा, अगर हम अपना जिंदगी में कुछ भी नेकी किए तो उसका अजर मेरा मिनी बच्चा, वो मेरा बच्चा। नजरे पर दूर मंदिरे पावले कुर्बान, खुदाई खुदाई खुदाई। कांच कोई माटी कोई रंग बिरंगे प्याले, कोई माटी कोई रंग बिरंगे प्याले, प्यास लगे तो एक बराबर जिसमें पानी डाले रे, लहराए पानी में जैसे धूप छाओ रे। गंगा आए कहाँ से, गंगा जाए कहाँ रे, लहराए पानी में जैसे धूप छाओ रे। गंगा आए कहाँ से, गंगा जाए कहाँ रे। काबुलीवाला की ज्यादातर शूटिंग मोहन स्टूडियो में की गई थी। इस मकसद के लिए कभी अंदर सेट लगता और कभी बाहर। फिल्म की थोड़ी सी आउटडोर शूटिंग के लिए प्रोड्यूसर बिमल रॉय और कैमरामैन कमल बोस ने महाराष्ट्र के नाशिक शहर के आसपास ऐसे सूखे और चटियल पहाड़ों का इंतखाब किया जहां न पेड़ थे न झाड़ियां। ये पहाड़ हूबहू अफगानिस्तान के पहाड़ों जैसे लगते थे। काबुलीवाला के डायरेक्टर हेमेन गुप्ता चूंकि बुजुर्ग आदमी थे, इसलिए बिमल रॉय अक्सर उनकी मदद के लिए सेट पर मौजूद रहते थे। इस फिल्म में मुकुल दत्त और गुलजार ने असिस्टेंट डायरेक्टर्स के तौर पर काम किया था। बकौल मुकुल दत्त, काबुलीवाला बलराज साहनी की फिल्म है। उन्होंने अपने किरदार में हर लिहाज से जान डाल दी। हर कदम पर उनके दोस्त बाबा बहादुर शाह ने उनकी मदद की। काबुलीवाले की बोलचाल और चाल ढाल में ही नहीं बल्कि उसके लिबास और मेकअप में भी शाह साहब का दखल रहता था। जब तक बाबा बहादुर शाह सेट पर मौजूद न हो तो बलराज साहनी न तो मेकअप करते थे और न ही शॉट देते थे। दोनों की दोस्ती असल में बड़ी गहरी थी। फिल्म के गीत ए मेरे प्यारे वतन में बाबा बहादुर शाह को देखा जा सकता है। बलराज साहनी के देहांत के बाद वो वाकई बाबा बन गए थे और इसी हालत में उनकी वफात हुई। विमल रॉय, हेमेन गुप्ता, बलराज साहनी और संगीतकार शैल चौधरी भी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी फिल्म काबुलीवाला हमेशा याद आती रहेगी। अच्छी फिल्में बेशक भुलाई नहीं जा सकती। बादाम लाया पिस्ता, बादाम लाया चादर तूफान से।
जादू का दिया और बाती जेब में है जान।